आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे नीरी सिरप के बारे में। ये क्या है, किन किन समस्याओं में आप इसका यूज कर सकते हैं और इसका यूज करने की सही तरीका क्या क्या है। अगर आपको नीरी सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो नीरी सिरप है, ये एलिम कंपनी का एक बेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये आप लोगों को आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाती है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है पथरी की समस्याओं में। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, उन कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो किन किन परिस्थितियों में आप इसको ले सकते हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों की किडनी में स्टोन की समस्या है या यूरिनरी ट्रैक में भी स्टोन आके रुका हुआ है, वो आपके प्रसाव के साथ बाहर नहीं निकलती है, उस दौरान उसमें तेज दर्द होती है, दर्द के साथ साथ प्रसाव कम होना, ये कुछ समस्या दिखाई दे सकती है। उन कंडीशन में आप इसी नीरी सिरप का यूज कर सकते हैं ताकि जो आपकी पथरी है वो धीरे धीरे करके गल के बाहर आ जाए। इसके अलावा अगर आपकी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होती है जिसके कारण से प्रसाव में तेज जलन होती है, जलन के साथ साथ प्रसाव के साथ साथ खून भी आती है, उन कंडीशन में आप इसी नीरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होती है वो सही हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो नीरी सिरप है, बहुत सारे और भी परिस्थितियों में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी किडनी के अंदर में पथरी होती है, उन पथरी को तोड़ के या गला के बाहर निकालने के लिए इसी नीरी सिरप का यूज डॉक्टर द्वारा की जाती है और ये बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्ट है। और पथरी को निकालने के लिए बिना ऑपरेशन की आप इसी नीरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी किडनी में इन्फेक्शन होती है जिसके कारण से यूरिनरी ट्रैक में भी इन्फेक्शन हो सकती है, उन कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये था नीरी सिरप की यूज के बारे में। आगे में हम लोग जान लेते हैं इसका डोज किस तरह से कितना दिन तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने के कारण से इसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी किडनी में पथरी की समस्या हो, इसके अलावा आपकी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होती है, उन कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये रोजाना हाफ गिलास पानी के साथ 10 ml नीरी सिरप को मिक्स करके दिन में 2 बार इस्तेमाल करने की सलाह दे सकती है। अगर आपकी किडनी की पथरी की साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होती है, उन कंडीशन में दिन में 3 बार भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये एडल्ट में इस्तेमाल होने वाले एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो इसका यूज करने के दौरान क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, मुख्यतः ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने के कारण से इसमें साइड इफेक्ट ना की बराबर है। अगर आपको किडनी में पथरी की समस्या है, उन कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था नीरी सिरप के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सभी जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे मेडलैब चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।